रहा है तो एक मिथ जो है, एक गलत धारणा जो है कि कमजोर व्यक्ति सम्मोहित हो जाएगा और एक पावरफुल व्यक्ति उसको कंट्रोल करेगा, ये सही नहीं है। टेलीविजन के द्वारा भी अगर इन चित्रों को दिखाया जाए, सही तरह के सजेशन दिए जाए और व्यक्ति एक होके अगर उसको देख रहा है तो वो निश्चित सी बात है हिप्नोटिक ट्रांस में जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अब हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं स्टूडियो में सम्मोहन लाइव करके देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या वाकई किसी को सम्मोहित किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए स्टूडियो में एक शख्स को डॉक्टर गिलानी सम्मोहित करने की कोशिश करेंगे, क्या डॉक्टर गिलानी ऐसा कर पाएंगे? आपने शायद सम्मोहन के बारे में किसी किताब में पढ़ा होगा या किसी फिल्म में देखा होगा, लेकिन आज हम स्टूडियो में सम्मोहन का सच जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई में एक इंसान दूसरे को सम्मोहित कर सकता है, दूसरे के दिमाग को खुद कंट्रोल कर सकता है, दूसरे को अपने इशारों पर नचा सकता है। सुई चुभ जाएगी लेकिन आपके मुंह से चीख बिल्कुल नहीं निकलेगी, आप में से कौन आना चाहेगा सुई चुभने? बस एक ही शख्स है तैयार। चलिए हम आप ही को बुलाना चाहेंगे, आप आइए, आप अपने साथ माइक लेकर आइए। जो कुछ मैं तुम्हें कहूंगा करवाऊंगा, तुम मेरी बात को सुनोगे, ध्यान दोगे और जो चीज का डर आपको लगता है कुछ मिनटों के अंदर वो डर का हिप्नोटिज्म लाइव, क्या वाकई ये व्यक्ति वशीभूत हो चुका था, क्या हक